जनपद जालौन के कोंच मंडी स्थित नईफेड द्वारा संचालित सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों से निर्धारित मजदूरी 10 रुपए से अधिक 30 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जो कि शासन के दिशा निर्देशों का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ किसानों का यह भी आरोप है कि इस केंद्र पर उनके गेहूं की घटतौली एवं गेहूं में से चोरी भी कर ली जाती है, जिससे लगातार उन लोगों का नुकसान हो रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए हर संभव सुविधाएं प्रदान की गई है, फिर भी कुछ दबंग केंद्र प्रभारी लगातार योगी शासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसानों ने बताया कि केंद्र पर वह सुबह से गेहूं लेकर खड़े है, न कोई नंबर आ रहा है और जो किसान सुविधा शुल्क दे देते हैं उनका नंबर जल्दी आ जाता है, जिससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में सुबह से सारे काम छोड़कर केंद्र पर बैठना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब यह देखना होगा ऐसे दबंग केंद्र प्रभारी पर क्या कार्रवाई होती है। समस्या ये रही है कि यहाँ पे तौल ठीक से नहीं हो रही है और लिहाजा यहाँ बारदाने की भी छिपाव करो जा रहा है और यहाँ पे 30 रुपये लिए जा रहे हैं लेबर का खर्च प्रति क्विंटल के हिसाब से। और क्या समस्या आई आपकी? और कुछ नहीं है, यही समस्या है।